अभी भी समय है कि जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, वरना अगली बार इससे भी कड़ी सजा मिलेगी, समझे? हाँ। जादुई डंड तो बुरे बालवीर की तरफ जा रहा है। अगर जादुई डंड इसके हाथ में आ गया तो इससे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। खाली हाथ आया? सॉरी दादाजी, मैं अभी हाथ में कुछ भर कर आता हूँ। मैंने तुझसे क्या कहा था, मेहर जहाँ भी हो वहाँ से उसको पकड़ कर लेके आ। पता नहीं मेहर कहाँ चली गई है, मैं सबके घर देख आया हूँ लेकिन मेहर कहीं नहीं मिली। क्या? टीवी में ऐसा सब आ रहा है? हमारे चैनल पर अब आप जो दृश्य देखेंगे और सुनेंगे उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप डर जाएंगे, आपको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होगा। हम भी अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और हमारी आंखें ये देखकर दंग रह गई है कि यहाँ दो दो बालवीर हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बालवीर इतने दिनों से अच्छे बच्चों को परेशान कर रहा था, उन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर रहा था, वो कोई और नहीं शायद बालवीर का हम शक्ल था जो आज हमारे सामने है। अद्भुत नजारा, आज हमारे सामने एक नहीं बल्कि दो दो बालवीर हैं। ये कोई नहीं जानता कि ये दूसरा बालवीर कौन है और कहां से आया है, और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से कौन सा बालवीर असली है और कौन सा बालवीर नकली। दो दो बालवीर? अच्छा, इसमें से एक बालवीर वो है जिसके वजह से अच्छे बच्चे और उसके माँ बाप परेशान हो रहे। मेहर? पापा पापा, मेहर भी है बालवीर के साथ, वो देखो। मेहर वहाँ? मेहर वहाँ क्या कर रही है? बापूजी मैं अभी जाके मेहर को लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जाइए, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। बहू ऐसा मत बोल, कुछ नहीं होगा मेहर को। हाँ वहाँ अच्छा बालवीर भी है, वो किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा, आप लोग चिंता मत करो। बॉस मैं तो कहता हूँ आप शैतानी करने से रिटायरमेंट ले लो, पहले तो सिर्फ एक ही बालवीर था तो आपका इतना बुरा हाल था, अब तो दो दो है, दो दो। हाँ बॉस, मतलब आपकी डबल हालत खराब होगी। अरे गधो डराओ मत, और वैसे भी इन दोनों बालवीर में से एक बालवीर अपना दोस्त है, वो बुरा वाला बालवीर, वो साथ वो ही जीतना चाहिए। जीवन चक्र को बंद होने से तूने रोका, लेकिन तेरी इस गलती की सजा इन बच्चों को मिलेगी। मेरे होते हुए बच्चों को छू भी नहीं सकते, तेरी सारी शक्तियां
इस जादुई डंडे में, और अगर एक बार मैंने ये दंड हासिल कर लिया तो इन बच्चों के साथ साथ तेरा भी अंत कर दूंगा। तुम मेरे होते हुए मेरा जादुई दंड कभी हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि आज और अभी मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। बालवीर! संभालिए अपने आप को बालवीर जी, संभालिए। आपने मुझे बेचा ना, मैं मॉन्टू द ग्रेट। अरे बालवीर जी प्लीज आप मेरी बात सुनिए ना। वो ना आप अच्छे बालवीर से हारना मत, नहीं तो मुझे जिंदगी और अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। बालवीर जी प्लीज,
बालवीर जी प्लीज आप मुझे हरना मत, वरना वो हम दोनों की हालत खराब कर देगा। बालवीर जी, बालवीर जी प्लीज, प्लीज बालवीर जी। ये क्या बोले जा रहे हो बॉस? अभी आपने जिसको बोला अगर वो अच्छा बालवीर निकला तो आपको पूरे जिंदगी मुर्गा बन के रहना पड़ेगा। क्या क्या करूँ मैं अभी? सॉरी बोलो हमें। हाँ, सॉरी बॉस, हमें नहीं बालवीर जी को सॉरी बोलो। हाँ ठीक है बालवीर जी। डिस्टर्ब मत करो उन्हें, वो बिजी है, वरना आपको डंडे से मारेंगे। इन दोनों में से अच्छा बालवीर कौन सा है और बुरा बालवीर कौन? दोनों बालवीर के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही है, पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों में से पहचानना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सा बालवीर बुरा है और कौन सा बालवीर अच्छा। हे भगवान, जादुई डंड सिर्फ हमारे अच्छे बालवीर को ही मिले, बुरे बालवीर को नहीं। संभालिए बालवीर जी, अपने आप को संभालिए। सॉरी बालवीर जी, सॉरी, मैं शायद गलती से वो असली वाले बालवीर के पास चला गया था, पर मेरे बॉस तो आप हो ना, आप कहे तो मैं आपको जादुई डंड लाके दूं। वैसे भी मेरे अंदर आपसे कम ताकत नहीं है, मतलब वो असली बालवीर से कम ताकत नहीं है। मैं चाहूँ ना तो उसकी खुद खटिया कड़ी कर सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ ऐसा मामूली काम कोई आलतू फालतू ही करे। अब वो जादुई डंड लेकर अच्छे वाले बालवीर को अच्छे से मजा चकाना, इसलिए मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है बालवीर जी। अरे बॉस, अरे बॉस, बोलने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगा कीजिए। दिमाग लगाने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। क्या आपने अभी जिसको बोला वो असली बालवीर निकला तो आप तो गए। तुम दोनों मुझे उल्लू समझते हो? हाँ। ना। ना। तुम दोनों को मैं बाद में देखता हूँ, पहले बालवीर जी को देखता हूँ। बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी। किसे दूं? दोनों ही तो एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे पहचानूं कि इनमें से मेरा बालवीर कौन सा है? अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है जादू छड़ी दूसरे बालवीर को देना चाहिए। मेहर, लेफ्ट वाला बालवीर ही असली बालवीर है, ये जादू इधर उसी को देना। नहीं नहीं, राइट वाला राइट है, मेरा मतलब राइट वाला सही बालवीर है। मुझे तो दोनों ही असली बालवीर लग रहे हैं। लेफ्ट वाला? नहीं नहीं, राइट, पता नहीं कौन सा बालवीर सही है। नहीं नहीं,
मुझे तो लेफ्ट वाला ही सही लग रहा है। हाँ तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी चॉइस हमेशा गलत होती है। मालूम है, आप भी मेरी चॉइस थे। भगवान ये महर अब क्या करेगी? महर लो ये डायन मुझे दो, मुझे इस बुरे बालवीर का अंत करना है। नहीं महर ये डायन मुझे दो, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा बालवीर। पता नहीं महर जादुई डंड किसको देगी, इसको देगी या उसको देगी? अरे उसको देगी, वो ही अपना दोस्त बुरा बालवीर है। वाह बॉस आपकी नजर तो उल्लू की तरह तेज है। ए, चील की नजर तेज होती है उल्लू की नहीं। लेकिन आप उल्लू हो ना। समझ नहीं आ रहा है इन दोनों में से मेरा बालवीर कौन सा है। महर मेरा विश्वास करो, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा बालवीर। तुम याद है ना मैं कैसे तुम्हारे जन्मदिन पर आया था? तुम्हारे जन्मदिन पर एक बोलने वाला खिलौना भी दिया था, मानो को नाचने वाले जादुई जूते भी दिए थे मैंने। अरे हाँ मतलब तुम ही मेरे बीवी भी हो। इसकी बातों पे मत आना मैं। तुम याद है ना जब तुम्हारे रॉकी चाचू पेड़ पे चढ़ गए थे तब मैं उन्हें बचाने के लिए आया था। जब मानो बड़े गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गया था तब मैं उसे बचाने के लिए आया था। मानो को पलटू बांध दिया था मैंने और मैं तुम्हारे कहने पे सब बच्चों के साथ होली खेलने के लिए भी आया था, याद है ना? बॉस ये लोग तो आपको भूल गए, याद दिलाओ के बालवीर जी को, उन्होंने आपको लड़की बनाया था, मधुमक्खी बनाया था, बंदर बनाया था और अभी अभी मुर्गा भी बनाया था। सॉरी बॉस। सोच क्या रही हो मैं, पहचानो मुझे, मैं ही तुम्हारा बालवीर हूँ। इसको जादुई दंड देने की गलती मत करना मैं। लाओ मेहर डंड मुझे दो, लाओ मेहर लाओ ये मुझे दो। दोनों ही तो एक जैसे दिख रहे, अब किसी एक को तो ये जादुई डंड मुझे देना ही पड़ेगा। मेहर लाओ ये मुझे दो, मेहर डंड मुझे दो, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा बालवीर। उसे मत दो मेहर, लाओ लाओ मेहर ये डंड मुझे दो, नहीं मेहर मुझे दो। अरे हाँ एक तरीका है सच जाने का। ठीक है अब मैं ये जादुई डंड अच्छे बालवीर को देने जा रही हूँ। लगता है मेहर ने पहचान लिया है कि अच्छा बालवीर कौन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.